नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। स्वागत है आपका बिहार की बात में। आज लालू प्रसाद यादव ने सारण से नामांकन भर दिया है। जी हां, ये वो लालू प्रसाद नहीं है जो रिम्स में है, ये एक और लालू प्रसाद है जिन्होंने सारण से नामांकन भरा है। और इसीलिए हमारा ध्यान गया इस तरह के मामलों पर जो पहले भी हो चुके हैं और नेताओं को बड़ी परेशानियों में डाल चुके हैं। ये मंजर तो ऐसा रहा कि कभी कभी बहुत मजबूत कैंडिडेट भी ऐसे नामों के कंफ्यूजन से चुनाव हार गए। ऐसा रामविलास पासवान के भी साथ हुआ था जब एक 92 वर्ष के बुजुर्ग रामविलास पासवान ने हाजीपुर से नामांकन भर दिया था। मान मनोवल का एक दौर चला और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सूरज सिंह जो कि सूरजभान सिंह के खिलाफ कभी आ सकते थे वो, और पप्पू यादव, कुछ कहानियां हैं ऐसे ही सिमिलर नामों से जुड़ी हुई जो हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे आज बिहार की बात में। सबसे पहले इस युवक को देखिए जिसके कंधे पर नीला रंग का यह तौलिया है, यही है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पहले भी राजनीति में रह चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव सारण से लड़ने जा रहे हैं, नामांकन भर दिया है। आज छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन शुरू हुआ जिसमें निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार को लालू प्रसाद यादव ने अपना पत्र सौंपा। दरअसल ये लालू प्रसाद यादव मढ़ौड़ा निवासी हैं जिन्होंने सारण लोकसभा संसदीय क्षेत्र से नामांकन भर दिया है और मीडिया से मुखातिब होते हुए इन्होंने कहा कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो जनता की सेवा करेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पहले भी 2001 में वार्ड पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं और 2006 और 2009 में भी इन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और जीते भी। आगे लालू प्रसाद यादव ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव, फिर 2015 में मढ़ौड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े, वहीं 2016 में सारण निर्वाचन क्षेत्र से MLC पद के लिए भी दाव आजमा चुके हैं। साथ ही 2017 में इन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी नामांकन किया था, लेकिन हर बार इन्हें जनता ने ठुकरा दिया और इस बार एक बार फिर से ये जनता की अदालत में आए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि इस बार जनता इन्हें चुने और सारण से लालू प्रसाद यादव को जीत दिलाए। लालू प्रसाद यादव खुद तो रिम्स में है, टेंशन वैसे ही बहुत है। इस बीच ऐसे नामांकन भी प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब हो जाते हैं क्योंकि वोटरों की एक बड़ी संख्या है जो पूरी तरह से जागरूक नहीं है चुनावों में होने वाली गतिविधियों से। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कंफ्यूजन में गलत नाम पर, गलत सिंबल पर बटन दबा दे हैं। ऐसा अक्सर होता है कि किसी प्रत्याशी को हड़वाने के लिए जो विपक्षी गठबंधन होता है वो पूरे दांव पेच लगाता है और उसमें से एक ये भी होता है कि सेम नाम वाले किसी दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया जाए ताकि जो अशिक्षित वर्ग है वो झांसे का शिकार हो जाए और सही प्रत्याशी तक वोट ना पहुंच पाए। चंद्रिका राय के लिए ये एक परेशानी का सबब बन सकता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव से हर कोई वाकिफ है। हालांकि सारण में लोग चंद्रिका राय को भी जानते हैं, मगर जब EVM पर दो नाम अलग अलग होंगे, एक लालू प्रसाद यादव अलग होगा, तो इससे असर पड़ सकता है। ऐसा पहले भी देखा गया है कि एक नाम वाले लोगों को निर्दलीय होने के बावजूद, लोकप्रियता नहीं होने के बावजूद भी भारी मत मिल जाते हैं और फिर मामूली डिफरेंस से हार जीत का फैसला हो जाता है। तो अब क्या लालू प्रसाद यादव को चुनाव नहीं लड़ने के लिए सारण से जो उम्मीदवार है राजद के, चंद्रिका राय, वो कन्विंस कर पाते हैं? ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जब पिछली बार 2014 के चुनाव में रामविलास पासवान के खिलाफ रामविलास पासवान खड़े हो गए थे तो रामविलास पासवान ने बड़ी ही सहजता से उन्हें मना लिया था, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष जो रामविलास पासवान थे उन्होंने 92 वर्ष के रामविलास पासवान को धोती कुर्ता देकर बड़े सम्मान से अपने घर पर बुलाकर बातचीत करके और
आशीर्वाद लेकर फिर रिक्वेस्ट किया कि आप यह नामांकन वापस ले लें, इससे नुकसान हो सकता है। तो जो बुजुर्ग रामविलास पासवान थे वो लोजपा अध्यक्ष की बात मान लेते हैं और अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। मगर चुनावों में कुछ सीटें ऐसी होती है जब ऐसे प्रत्याशी आपको देखने को मिलेंगे। उनकी उम्र 92 वर्ष की थी, जाहिर सी बात है कि सिर्फ सबकी नज़र में आना उनका मकसद होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार तो बहुत अच्छे से कर नहीं पाते बावजूद नामांकन कर दिया। लेकिन रामविलास पासवान ने भी खबर लगते ही रिएक्ट किया था। शुरुआती दौर में तो ढूंढना ही मुश्किल हो गया था कि आखिर ये रामविलास पासवान है कौन। फिर बड़े ही मुश्किल से इनका घर पता लगाया गया और उसके बाद उनसे उन्हें कहा गया कि आपको रामविलास पासवान ने मिलने बुलाया है। फिर बातचीत हुई और उन्हें तोहफे में धोती और कुर्ता दिया गया, उनसे आशीर्वाद लिया रामविलास पासवान ने और किसी तरह उन्हें मनाकर चुनाव नहीं लड़ने के लिए कन्विंस कर लिया। ऐसा एक बार और हुआ था जब सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका चुनाव चिन्ह था लिफाफा और एक और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए थे जिन्हें भी चुनाव चिन्ह लिफाफा का मिल गया था। साल तो ठीक ठीक ध्यान में नहीं है मगर चुनाव में जीत हार का अंतर बहुत मामूली था और पप्पू यादव चुनाव हार गए थे और लगभग 19,000 वोट इस निर्दलीय कैंडिडेट लिफाफा छाप वाले को मिल गया था, जो एक पप्पू यादव के हार का एक बड़ा कारण बना। ऐसी घटनाएं कई बार होती रहती हैं। और बिहार में आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सिंबल है तीर धनुष, वही शिवसेना का भी सिंबल है। तो बिहार में इस सिंबल को बैन कर दिया गया था कि आप इस सिंबल के साथ नहीं लड़ सकते, आप बेशक अपने पार्टी के नाम पर लड़ सकते हैं मगर सिंबल पर लड़ना इजाज़त नहीं दी जाएगी, उस पर भी बैन लग गया था। तो ऐसी घटनाएं कई बार मुश्किलें खड़ी करती हैं। बात 2000 की करें तो सूरजभान सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। सूरजभान सिंह का असली नाम सूरज सिंह है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तभी समता पार्टी ने भी सूरज सिंह नाम के एक कैंडिडेट को चुनाव में उतार दिया, जिससे कन्फ्यूजन का एक अंबार सा फैल गया। और उसी के बाद समता पार्टी के उम्मीदवार और सूरजभान सिंह, जिनका नाम सूरज सिंह है, वो आमने सामने होते नजर आने लगे और इनकी लड़ाई थी दिलीप सिंह, जो राजद के कैंडिडेट थे, अनंत सिंह के बड़े भाई थे दिलीप सिंह, इनसे इनकी टक्कर होनी थी। और इस टक्कर में सूरज सिंह जो समता पार्टी के उम्मीदवार बने वो एक भूमिका बनाते जा रहे थे। मगर तभी क्या हुआ कि जब नॉमिनेशन की स्क्रूटनी हो रही थी तो इस यह बात सामने आई कि सूरज सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार सामने आ गए थे, समता पार्टी के उम्मीदवार सामने आ गए थे निर्दलीय सूरजभान सिंह के खिलाफ, उनके नॉमिनेशन में कुछ त्रुटियां पाई गई और उस त्रुटियों के कारण उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। फिर सूरजभान सिंह ही एकलौते सूरज सिंह नाम के उम्मीदवार रहे और फिर निर्दलीय चुनाव भी जीत कर आए। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी विपक्षी पार्टियां बनाने में देर नहीं करती और बहुत मजबूती से इन चीज़ों को सामने रख देती हैं, सामने ले आती हैं, ताकि कन्फ्यूजन बढ़े, जनता झांसे में आए और गलत बटन दबा दे। हालांकि अब तो चुनाव आयोग ने ऐसा भी किया है कि प्रत्याशी की तस्वीर भी आपको ईवीएम पर देखने को मिलेगी, मगर अभी भी आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बात करें और सुदूर इलाकों में जो लोग ना डिजिटल मीडिया, ना टीवी, ना अखबार मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, हाँ ये सत्य है, एक बड़ा वर्ग है जो इन चीज़ों से अभी भी वंचित है, जो शिक्षा से वंचित है, जिन्हें उम्मीदवारों का नहीं पता, जिन्हें पार्टियों का नहीं पता, पार्टियों की नीति का नहीं पता, बस कोई कह देता है तो मान लेते हैं, उसी आधार पर वोट डाल देते हैं, उस वर्ग के जो वोटर हैं वो अक्सर इस तरह के झांसों में फंस जाते हैं और ईवीएम पर गलत बटन दबाकर आ जाते हैं और जो वोट जिसे सही जगह जाना होता है वो नहीं पहुंच पाता और इससे चुनाव नतीजों में भी बहुत बार अंतर आ जाते हैं, फैसलों में बदलाव आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग भी हर बार कुछ नए डेवलपमेंट्स कर रहा है। चुनाव आयोग भी वाकिफ है इस तरह की रणनीतियों से जो कि बारी पड़ जाते हैं कैंडिडेट और लोकतंत्र पर। अगर आप किसी को वोट देना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं और वोट किसी झांसे के तहत उन तक ना पहुंच पाए, किसी और तक पहुंच जाए, तो लोकतंत्र
का हनन तो है ही, साथ साथ चुनाव आयोग की जिम्मेवारी भी है कि इन चीजों को कैसे रोका जाए। चुनाव आयोग बेशक प्रयासरत है और तभी तो इस बार तस्वीरें भी लगी होंगी ईवीएम मशीन्स पर कि आप अपने कैंडिडेट को कंफर्म कर सकें। बावजूद इसके इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए चुनाव आयोग भी अलर्ट रहता है। पहले तो नॉमिनेशन के ही टाइम जो स्क्रूटनी होती है उसमें ध्यान दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई रास्ता नहीं बचता तो प्रत्याशी आपसी सहमति से किसी को रोकने का प्रयास करते हैं, जैसा रामविलास पासवान ने समझदारी दिखाते हुए किया था। सूरजभान सिंह की तो किस्मत अच्छी थी, जो सूरज सिंह का नॉमिनेशन फेल हो जाता है और वो समता पार्टी वाले सारे वोट्स ट्रांसफर हो जाते हैं सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, मतलब सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह को, और वो जीत कर सामने आते हैं। पप्पू यादव का भी हमने जिक्र किया कि लिफाफा छाप जब था उसके कारण भी कन्फ्यूजन की एक स्थिति बनती रहती है, बन गई थी उस बार, जिससे एक बड़ा नुकसान हो गया था। अब आगे देखना है कि ये जो लालू प्रसाद यादव छपरा यानी कि सारण सीट से नॉमिनेशन भर कर आए हैं वो कितना वोट हासिल करते हैं, क्या लालू के केडर को, लालू के समर्थकों को इस बात का झांसा देने में सफल हो पाते हैं कि असली लालू यादव चुनाव में नहीं है बल्कि ये तो कोई और है। इस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी तो बेशक चंद्रिका राय पर है कि उसे किस तरह से रोका जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जिस तरह की फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग अगर खबरों से अपडेटेड नहीं है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो समझ ना पाए। लालू प्रसाद यादव पहले भी, मतलब ये लालू परिवार का ही सीट माना गया है, तो कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और ये नुकसानदेह साबित हो जाए और किसी के लिए नहीं बल्कि चंद्रिका राय के लिए। नजरें बनी हुई हैं लाइव सिटीज की, हम लगातार इन तरह की चीज़ों पर और अन्य खबरों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहें। हम बने रहेंगे बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आज बिहार की बात में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।